मंगल और चंद्रमा की युति ये आदमी को डॉक्टर बनाता है, चाहे वो किसी भी घर में बना हो। चंद्रमा और मंगल बैठा है, किसी भी घर में बैठा हो, डॉक्टर के क्षेत्र में आप बिजनेस कर सकते हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में बिजनेस कर सकते हैं। हमने वर्दी के जॉब में आदमी को सस्पेंड होते हुए भी देखा है, जिसमें मंगल और शुक्र की युति था उसमें चार घर में, और किस घर में था तो ये इसी में ये चार नंबर लिखा हुआ था। वृश्चिक राशि वाले को कौन सा जॉब या बिजनेस करना चाहिए, हम आज उसी के बारे में बात करें। देखिए, मंगल दोनों का मालिक होता है, वृश्चिक का हो और हो या मेष का हो, लेकिन वृश्चिक का मंगल अगर वृश्चिक राशि में अगर कोई भी जातक है और उसका मंगल अगर चौथे घर में बैठा हुआ है तो अति उत्तम होता है, खास करके वो नीच का ना हो, यानी कि चार नंबर में ना हो, अदरवाइज किसी भी रहता है बहुत अच्छा होता है। अगर नीच का है तो प्रॉपर्टी का काम मत कीजिए, ये बहुत ही निगेटिव लेकर जाएगा। चाहे आपकी, हमने ये भी देखा है कि अगर 9 नंबर का रिपीटेशन ज्यादा है और 8 नंबर उसमें प्रेजेंट है, तो हमने ये भी देखा है कि आदमी प्रॉपर्टी बंटवारा के कारण या कोई दूसरा आदमी प्रॉपर्टी हड़प लेता है, इसके कारण जो है केस बहुत लंबा लंबा चलता है। तो ऐसे जातक को बिना पेपर चेक किए हुए कहीं से जमीन नहीं खरीदना चाहिए, या किसी से वकील से बात करके ही जमीन कोई परचेज करे, नहीं तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वृश्चिक राशि वाले को दो बात, यहां पे मंगल और यहां पे मंगल, ये दोनों मंगल जो है ना बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर देता है। ये वर्दी का जॉब जो होता है ये आदमी को ग्रोथ भी देता है, यहाँ पे मंगल चल भले ही अंगारक योग, यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे बहुत से चार्ट देखा है अंगारक योग बना हुआ है यहाँ पे, तब पर भी ऐसे जातक को वर्दी के जॉब में बहुत ही अच्छा लेकर देता है। साथ साथ जैसे कि आप सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते हैं या सिक्योरिटी गार्ड का बिजनेस करते हैं, आपके पास में 200-300 सिक्योरिटी गार्ड है और उसको कहीं पे लगाते हैं, तो ये सब बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कंप्यूटर हार्डवेयर का क्षेत्र हो या सॉफ्टवेयर का क्षेत्र हो, चाहे आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जस्ट लाइक अगर हम बात करें तो एमसीए किए हुए हैं, या कंप्यूटर से अगर आप डिग्री लिए हुए हैं बीटेक का भी का, अगर वहां उस क्षेत्र में अगर जॉब करते हैं तो अति उत्तम होगा आपके लिए, वृश्चिक राशि वाले के लिए। और दूसरा चीज यहाँ पे यह है कि आप आईटी में बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन आईटी में बिजनेस तब करेंगे जब देखिएगा वृश्चिक राशि में कि वृश्चिक राशि में मंगल प्लस बुध की युति हो, तो ये बहुत अच्छा किसी भी, चाहे वो किसी भी घर में हो, ठीक है। आप सिर्फ मंगल नीच का नहीं होना चाहिए, चार नंबर में मंगल और बुध की युति नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो आप आईटी का जो बिजनेस करेंगे उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ दे सकता है। मंगल और चंद्रमा की युति ये आदमी को डॉक्टर बनाता है, चाहे वो किसी भी घर में बना हो, चंद्रमा और मंगल बैठा है, किसी भी घर में बैठा हो, डॉक्टर के क्षेत्र में आप बिजनेस कर सकते हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में बिजनेस कर सकते हैं, या सर्जन जो होता है जो चीर फाड़ का काम करता है उसमें वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर देता है किसी भी जातक में। हाँ, एक चीज देखा गया है प्रैक्टिकल में कि 9 का रिपीटेशन जब किसी भी जातक में बहुत ज्यादा होता है, और 2 क्योंकि इसका सपोर्टिव नंबर, ये न्यूमरोलॉजिकल थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं, इसके सपोर्टिव नंबर जो होते हैं 9 के, अगर उसमें एंटीज होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में आपको मंगल का उपाय करना बहुत ही अच्छा, शास्त्रों में बताया गया है, आप उसका मंगल का उपाय कर सकते हो, 100% किसी भी जातक में रिजल्ट अच्छा लेकर देता है। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सपोज कीजिए कि आप भूमि के क्षेत्र में काम करते हैं, तो हमने आपको बताया दो घर में अगर ये रहेगा तो निगेटिव रिजल्ट देगा, अदरवाइज वो पॉजिटिव ही रिजल्ट लेकर देगा। पेट्रोल पंप खुलवाता है वृश्चिक राशि वाले अगर कोई जातक है तो पेट्रोल पंप में बहुत अच्छा, चाहे उस पर जॉब कर सकते हैं या उसका बिजनेस करना चाहते हैं, किसी भी आदमी के नाम पे करना चाहते हैं, तो ये अच्छा रिजल्ट लेकर किसी भी जातक में दे सकता है। अगर हम बात करते हैं कि ऐसे जातक मेडिकल का दुकान खोलना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर देगा, लेकिन निगेटिव तभी देगा जब मंगल चार नंबर के साथ में कहीं पे बैठा हुआ है, तो उसको उसमें बाधा आएगी। और खास करके वृश्चिक राशि में हमने ये देखा है कि वृश्चिक में थोड़ा सा जो है वास्तु रिलेटेड इशू जाएगा, क्योंकि ये लोग जो है ना एस्ट्रोलॉजिकल को थोड़ा सा कम मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी से अलावा ये लोग भाग्य पे ज्यादा भरोसा करते हैं। देखिए, भाग्य जरूरी होता है, वो कर्म जरूरी होता है, इसके बिना जो है ये कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि लक भी बहुत ही जरूरी होता है किसी भी जातक में। तो यहां पर वृश्चिक राशि वाले को अगर इस रिलेटेड अगर इश्यूज है तो सबसे पहले कोई वास्तुनिष्ठ के पास में जाइए और अपने घर के लेआउट को दिखाइए कि उसका अग्नि कोण कहां पे है, अग्निकोण में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो कितना भी धन संपत्ति उसके पास में आए वो टिकेगा नहीं। और
वास्तु में जब आप अच्छे वास्तुनिष्ठ से मिलेंगे, छोटे छोटे से टोटका है या उपाय है या रेमेडी है जो कि आपको अच्छे तरह से दे सकता है और वो छोटा कोई खर्च नहीं होता है उसमें, आप करके उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, उसमें इतनी पावर होता है। लेकिन वृश्चिक राशि वाले में जो हमने प्रोफेशन बताया है, अगर इसमें बिजनेस या जॉब कर रहे हैं निगेटिव अगर जा रहा है तो उसका कारण वही होगा नीच दोष का। नहीं तो इस सब बिजनेस में अगर आप काम करते हैं, पेट्रोल पंप हुआ या चाहे वर्दी का जॉब हुआ, हमने वर्दी के जॉब में आदमी को सस्पेंड होते हुए भी देखा है जिसमें मंगल और शुक्र की युति था उसमें चार घर में, और किस घर में था तो ये इसी में ये चार नंबर लिखा हुआ था, सात नंबर की कुंडली थी उसकी। तो इस प्रकार की स्थिति होती है। अगर आपके पास में कोई भी सवाल है, आपका मंगल किस घर में है, किसने नंबर के साथ में बैठा हुआ है, कितनी गिनती में लिखा हुआ है, आप नीचे कमेंट में लिखिए। और आपके पास में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, लाइक तो नहीं किए होंगे लाइक भी कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में, धन्यवाद दोस्तों। अगर आप नंबरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं।